बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव होना है और सियासी दलों ने इस चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस बार कांग्रेस विधानसभा और लोकसभा के बाद निकाय चुनाव में भी सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करने जा रही है। आखिर कांग्रेस को क्यों पड़ी सर्वे कराने की जरूरत, क्यों पड़ी और सर्वे क्यों कराया जा रहा है, इसे लेकर जुबानी जंग क्यों छिड़ी हुई है, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब नगरीय निकाय चुनाव में अपने परफॉर्मेंस को सुधारने की कोशिश में जुटी है। इसीलिए इस बार कांग्रेस प्रत्याशी चयन के अपने फॉर्मूले में बदलाव करने जा रही है। ब्लॉक और जिला कांग्रेस की अनुशंसा वरिष्ठ नेताओं की सिफारिश की जगह कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकट देगी। इसके लिए सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर पर सर्वे कराए और जीत की संभावना वाले दावेदारों के संबंध में जानकारी जुटाए। इतना ही नहीं, अध्यक्ष और मेयर के लिए उपयुक्त दावेदारों के नाम पर भी सर्वे के माध्यम से जानकारी जुटाई जाएगी। खास बात यह है कि नामों को ब्लॉक और जिला कांग्रेस की ओर से पीसीसी को भेजा जाएगा। अंतिम निर्णय पीसीसी में लिया जाएगा, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की राय के स्थान पर सर्वे रिपोर्ट और जिला ब्लॉक की अनुशंसा को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस जहां इस फैसले को लेकर आशान्वित है, तो भाजपा तंज कस रही है। नगरीय निकाय में देखिए, पिछले समय हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किए थे, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव दोनों। तो इस समय हमारे छोटे कार्यकर्ता लड़ेंगे नगरीय निकाय पंचायत चुनाव, इसलिए हम लोगों ने एक लाइन खींच दिया है कि हम लोग सिर्फ जीत के मापदंड के आधार पर देंगे और युवाओं को मौका देंगे और अनुभवों को भी मौका देंगे। तो इस आधार पर हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े, इसके लिए स्थानीय स्तर सर्वे, संगठन को सर्वे, हम लोग भी अलग से सर्वे कराएंगे, ताकि हम लोग सिर्फ हमारा मकसद होगा जीत ही हमारा पैमाना होगा। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि अपने हिसाब से अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है। सर्वे तो उन्होंने कराया होगा, विधानसभा चुनाव के समय भी कराया होगा, लोकसभा चुनाव में भी कराया होगा, शायद उसी सर्वे के आधार पर उन्होंने टिकट का वितरण भी किया होगा। पर सबकी सर्वे तो जनता ही करती है और जनता ने जवाब उन्हें दे दिया है और आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी जनता उसी तरह का निर्णय करेगी। साल 2019 में अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए चुनाव में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा का वातावरण है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि सर्वे के माध्यम से जनाधार और जीत की संभावना वाले कार्यकर्ताओं को अवसर दिया जाए, जिससे पार्टी का परफॉर्मेंस भी सुधरे और सही कार्यकर्ताओं को महत्व भी मिले। रायपुर से आईएनएस 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।